राम राम भाइयों, क्या हालचाल साथियों। आज हम आए हैं करनाल हरियाणा में। यहाँ पे देश का सबसे बड़ा साहिवाल डेयरी फार्म है और यहाँ पे नस्ल सुधारण के साथ साथ बहुत सी ऐसी अमूल्य चीजों पे काम हो रहा है जिसके बारे में जानना, सीखना और देखना बहुत ही जरूरी है। तो मुलाकात करते हैं फार्म के संचालक नरेश कुमार जी से। नमस्कार जी, आपका ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम नरेश कुमार, हमारा राम सिंह डेयरी फार्म के नाम से, जो साहिवाल डेयरी फार्म के रूप में भी जाना जाता है, तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा में फार्म है। जी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई का क्या बैकग्राउंड रहा है। मैंने 86 में इलाहाबाद से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया था। उसके बाद फिर प्रेस की जो नौकरी थी हमें अच्छी नहीं लगी, उसको हमने छोड़ने के बाद एनडीआरआई डेयरी का ट्रेनिंग करके 10 गाय से हमने इसमें। आपने एनडीआरआई से ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपने 10 गाय से अपनी डेयरी फार्मिंग चालू करी। स्टार्टिंग के अंदर आपने कौन सी गाय रखी थी? शुरू में क्रॉस ब्रीड की तरफ गए, हाईब्रिड गाय रखी ज्यादा दूध के लिए, उस समय संकर गाय बोलते थे उनको। आपने शुरुआत हाईब्रिड से करी, तो आपने हाईब्रिड गाय को क्यों छोड़ के देसी गाय पे काम करना चालू करा? उनमें बीमारियां इतनी ज्यादा, इतना खर्चा उनका, दवाइयों का, वैक्सीन का, और दूध का क्वालिटी मूल्य दूध का पूरा नहीं मिल पाता। कई कारणों से वो सारा साल गर्मियों में दूध नहीं दे पाती, सर्दियों में ज्यादा दूध देती हैं। अच्छा। कई कारण उनके ऐसे हैं, वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। 3 बार बच्चा दें, 4 बार के बाद उनका कोई गाहक नहीं है मार्केट में, ये 12-12 बार बच्चे दे सकती हैं। अच्छा, तो इनकी लाइफ ज्यादा है। जी, इनका दूध कम है लेकिन क्वालिटी ज्यादा है। जी, और सबसे प्रमुख बात, इनकी सेहत मेंटेन करना कम खर्चे में भी हो जाता है और आसान भी रहता है। जी, तो आपने करीबन 32 साल पहले डेयरी फार्मिंग चालू करी, 10 गाय से चालू करी, आज 2022 के अंदर आपके पास कितना गौ वंश है? अब हमारे पास टोटल 400 गाय हैं, जिनमें से साहिवाल 300 हैं, अच्छी रखी, गीर और थारपारकर भी हैं। अच्छा, तो आपके पास 400 गाय है जिसमें से प्योर 300 गाय साहिवाल है और बाकी की 100 आपके पास थारपारकर, गिर और हरियाणा नस्ल की देसी गाय है जो हमारे इस लोकल एरिया के अंदर पाई जाती है। 300 साहिवाल की भी बात करें तो उसमें आपके पास, मैं देख रहा था, जैसे नंदी भी है, छोटे पशु भी है, तो उनका क्या प्रपोर्शन है, यानी कि दूध देने वाली कितनी है? बछड़ियां और बछड़े मिलाकर छोटे 200 हैं। जी, जो छोटी गाभिन बछड़ियां भी हैं हमें, और 100 के करीब हमारे पास प्रेग्नेंट बच्चे देने वाली गायें हैं, और दूध 80 गायें अब दे रही हैं जिनका 500 लीटर करीब हमारे यहाँ दूध हो रहा है। अच्छा, 80 गायें आपके पास अभी मिल्किंग में है जो दूध दे रही है, और कुल मिला के 5 क्विंटल यानी कि 500 लीटर दूध पर डे का होता है, सुबह शाम मिला के। सुबह शाम मिला के इसके हिसाब से ऑन एवरेज जो एक गाय है दूध दे रही है, जो साहिवाल नस्ल की, वो कितना आपको दे रही है और क्या रेंज है? एवरेज तो 10 लीटर का ही अच्छी गाय का। कुछ बछड़े बछड़ियां को भी दूध पिलाते हैं हम 4-5 महीने, और जो 3,000 लीटर हम एक लैक्टेशन लगाते हैं ब्यांत काल, हमें अच्छी गाय का मिल रहा है, और अब हमारा दूध भी 70 रुपए के करीब हमें इसका कीमत मिल रही है, जो कि अच्छी है। हम 75 शहर में बेच रहे हैं दूध अपना। अच्छा। करनाल के बीच में भी हमारा पॉइंट है, वहाँ भी जाते हैं। तो भाई साहब, इस हिसाब से तो आपका दिन का 70 रुपए में आप बोल रहे हैं, गांव के अंदर 70 रुपए आपका रिटेल में जा रहा है और शहर करनाल के अंदर आपका 75 रुपए किलो में जा रहा है। अगर हम 70 रुपए भी माने तो आपका दिन में 500 लीटर के हिसाब से 35,000 का दूध डेली सेल हो रहा है, और मंथली यही आपका हिसाब बैठ गया तकरीबन 10 लाख से ऊपर का आप हर महीने दूध बेच रहे हैं। तो ये जो 500 लीटर आप दूध बेच रहे हैं 70 रुपए किलो में, वो बेचना आम किसान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता है, खास करके वो जो कोई दूर दराज के गांव में या खेतों में से मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है। आपने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि आपका दूध शहरों में अच्छे भाव पे बिक रहा है? शुरू में जो हमारे पास दूसरी गायें थी आज से 15 साल पहले, उनका भी हम घरों में ही दूध सप्लाई करते थे, लोगों को खुद मार्केटिंग अपने हाथ से करते थे, वो भी हमारा अच्छा रेट मिलता था। लेकिन अब A2 प्रोटीन, जब से ये लोगों को पता लगा है कोरोना, खासकर कोरोना के बाद वैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, ये बीमारी नहीं होती, और इससे भी हमें अच्छा लाभ रेट दूध का मिल रहा है। प्लस हम घी बना लेते हैं, सस्ता दूध नहीं देते डेयरी में, तो हमारा 35-40 रुपए बिकेगा। अगर हम प्लांट में देंगे तो हम इसमें से घी निकाल के वो भी 1200-1300 रुपए हमारा बिक जाता है। 1300 कर दिया हमने किलो घी जो है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगी कि जो आपका दूध नहीं बिक रहा जी उसको कोड़ियों के भाव डेयरी में बेचने से अच्छा है कि आप उसका खुद ही घी बना ले, घी की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है और आप उसको अच्छे रेट पे 1300 रुपए लीटर जी पे आप उसको मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, खासकर इसका सर्दियों में जब मैं कहता हूँ दूध की लागत कम हो जाती है तब तो ज्यादा हम घी बना लेते हैं और आजकल बिक जाता है। अच्छा जी, सर जी, ये जो आपने शेड बना रखा है, ये गाय तो आपकी देसी है लेकिन फिर भी शेड आधुनिक है,
हम यहाँ देख रहे हैं आपने पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं, खुरली भी बहुत अच्छी है, सभी गायों के लिए स्पेस भी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा शेड डिजाइन के बारे में बताएं कि कोई नए सिरे से बनाना चाहे तो उसमें क्या क्या सोचना पड़ेगा, या आपने क्या क्या इसमें लागत लगाई थी, ये कितना पुराना है आपका शेड? ये कम से कम 17-18 साल इसको बने हो चुके हैं। 17-18 साल पुराना ये शेड है जी। इसको लूज हाउसिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें जैसे गाय को पानी पिलाना, बांध के नहीं रखना, उसको 24 घंटे खुली रहती है। खासकर बछड़ियां तो हमारी अलग अलग, इसमें जो प्रेग्नेंट अलग है वो अलग पोर्शन किया हुआ है। चारा खाती है तो गाय बैठ जाती है खुले में। अच्छा, तो इसको रखने में लेबर की आसानी होती है, साथ में गाय भी 24 घंटे रिलैक्स महसूस करती है। पानी गर्मी में जैसे 4 बार पिए 5 बार पिए, अपनी मर्जी से चारा खाती है। तो ये जो शेड है आपकी, इसकी डायमेंशन क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? ये 60 फीट चौड़ा है। 60 फीट चौड़ा है और लंबा 120 फीट है। लंबा 120 फीट है और बीच से इसकी 17 फीट हाइट है, साइड से 14 फीट। अच्छा, जो इसका बीच में है 17 फीट इसकी हाइट है और साइड में टेपर होते हुए जा रहा है 14 फीट है। ये कॉस्टिंग क्या आ गई होगी आपकी 17 साल पहले इसको बनाने में? उस समय तो सस्ता था, उस टाइम भी हमारा इसके 8 लाख रुपया खर्चा है। 8 लाख करीबन 17 साल पहले, आज के टाइम पे क्या हो जाएगा? कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा आएगा। 15-20 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा आज कोई इस टाइप का किसान कोई शेड बनवाना चाहे। 100 गाय के लिए ये उपयोगी है। अगर 100 गाय रखना चाहते हैं इसमें, दोनों तरफ 50-50 गाय इसमें। यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने अलग अलग शेड बना रखे हैं, अलग अलग एरिया है, फ्री रेंज के लिए भी आपने पूरा खुल्लापन दे रखा है, हर एक शेड में से बाहर खुल्लेपन में जाने की व्यवस्था है। तो ये अलग अलग शेड क्यों बना रखे हैं? जैसे कि ये आपने 100 गायों के हिसाब से बना रखा है, आगे की तरफ और एक शेड है, उसके आगे पर तरफ और भी एक और शेड है, तो यहाँ कितने छोटे बड़े शेड है और ये मैनेजमेंट कैसे चल रहा है यहाँ पे? इसमें अलग अलग प्रकार की जो गाय गाभिन होती है उनको अलग रखना पड़ता है, जो दूध वाली है उनकी थोड़ा खड़ाई पिड़ाई का भी अलग से, चारे का भी और दाने का भी अलग रखना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है उनको खड़ाई पिड़ाई। और जो ड्राई होती है वो रिलैक्स भी करती है, उनको थोड़ा खुला में रखा अलग से, तो बच्चा देने वाली है। छोटी बछड़ियां हैं उनकी अलग डाइट है, उनका थोड़ा सिस्टम अलग है। बड़ी जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनमें हम नंदी भी खुला रख देते हैं। अभी जो बछड़ी प्रेग्नेंट नहीं करानी है उनमें हम नंदी को खोलते नहीं। 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चे हैं जी जी, जो अलग हमने इनको अभी खड़ाई पिड़ाई का ध्यान इनको तैयार कर रहे हैं जल्दी गाय बनाने के लिए। और वो बड़ी प्रेग्नेंट बछड़ियां हैं, 3 से 4 महीने के ऊपर की प्रेग्नेंट जो हो चुकी हैं, वो सारी जो बछड़ियां जरा इसमें लगती हुई है, जो प्रेग्नेंट है वो इधर पे ये सब दूध वाली हैं, जो दूध भी दे रही है साथ साथ ये प्रेग्नेंट भी हो रही है इसमें। अच्छा। बीच में नंदी एक अलग गोत्र का है और ये इसमें अलग नंदी है हमारा। तो हर एक सेक्शन के अंदर आपने नंदी भी छोड़ रखी है। जी हाँ जी, तो मैं सब भाइयों को ये कहता हूँ, किसानों को, कि वो ज्यादा शेड पे खर्चा ना करें बल्कि गाय को नस्ल बनाना है, खड़ाई पड़ाई पे करें, क्योंकि ये धूप में गर्मी सहने की इसमें क्षमता है। इसमें जो सबसे पहले पुरानी गाय है ये 9 बार बच्चे दे चुकी है, उम्र इसकी 15 साल है, 15 साल की और अभी ये स्वस्थ है, प्रेग्नेंट है। ये 2018 में हमारी पिछले 4 साल से सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। अच्छा, जब जब में चैंपियन 2,50,000 का इसको इनाम भी मिला था। अब ये प्रेग्नेंट भी है 6 महीने का, अभी 10 लीटर दूध दे रही है जो ये वाली गाय है। हाँ, इसने 20 लीटर दूध दिया है। 20 लीटर दूध तो बहुत ही कमाल है। ब्रीड चैंपियन बनी थी, जो पूरी ब्रीड का इसने फर्स्ट प्राइज 2018 का था। अच्छा। वो ये गाय चैंपियन बनी हुई। ये जो सांड है, अब की बार राज्य स्तरीय जो पशु प्रदर्शनी भिवानी में आयोजित किया गया था फरवरी मार्च में, उसमें ये प्रथम अपनी ब्रीड चैंपियन जो साहिवाल का, सरकार ने इसको 2,50,000 रुपए प्रथम पुरस्कार के रूप में, 2,50,000 रुपए इसका अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड मिल चुका है। और ये साहिवाल गाय के साथ भी अगर इतने अच्छे एनिमल आए थे, अच्छी अच्छी गाय साहिवाल की थी, तो गुल को उन्होंने इसलिए दिया कि ताकि इस नस्ल को बचाने के लिए उनको इसमें पूरे 100% साहिवाल गुण नजर आए। जजेज थे जो हमारे डॉक्टर थे, उनकी जजमेंट में उन्होंने इसको छांट के अलग से किया। अच्छा, इसकी माँ का दूध 4,000 लीटर एक ब्यात का जो था सबसे, हमें उसमें इसकी माँ का दूध था 4,000 लीटर का, मतलब है पूरे साल में, पूरे 10 महीने का, 305 दिन का जी, जी। मतलब 14 लीटर एवरेज था उसका। बहुत बढ़िया। और इसकी बछड़ियां ये सारी अब हमारे पास 3 साल से ये सर्विस भी दे रहा है और सारी बछड़ी प्रेग्नेंट है इसकी। बहुत अच्छे, जैसे कि आप इसके टेस्टिकल की क्वालिटी भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। तो इसमें प्योर साहिवाल की क्या खासियत है, कैसे पहचान करें कि ये प्योर साहिवाल है? साहिवाल में 2 मुख्य का कलर है, लाइट ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन जी। साहिवाल के जो उनका फर्स्ट फ्रंट पोज होता है जो ब्लैकिश होता है, बैक साइड थोड़ा हल्का ड्राई लाल रेडिश भी हो सकता है, हल्का लाल होता है। और जो इसका टंगे है इसकी छोटी, ज्यादा ऊंचा नहीं होता साहिवाल, गोलाई टाइप में इसका पीछा उठा होता है, हाइट भी छोटी रहती है, पूंछ लंबी होती है, वर्टिकल गोलाई में नहीं होती, वर्टिकल होती है थोड़ी काली जी, बोई बनी हुई, कान भी अलग तरह से, जैसे गिर का अलग कान है, साहिवाल के कान भी लंबे की तरफ होते हैं। यही वाली हम नंदी का एग्जांपल ले ले तो मार्केट में इसका क्या रेट होगा?
नंदी तो अगर हम खुद तैयार करें तो ज्यादा महंगे नहीं, हम तो खुद 40,000 में बछड़े बेच देते हैं छोटे, तो ये कम से कम हमारा 3 लाख का मार्केट वैल्यू है। अगर 10 गायें हैं तो एक नंदी रखना कोई महंगा भी नहीं है, उस 10 में से 10 बच्चा देंगी, 10 की 10 दूध देंगी, ये बड़ा जरूरी है डेयरी में लंबे समय कामयाब के लिए। जितने पशु हों उसमें ज्यादातर दुधारू हों, बछड़ियां जल्दी तैयार करेंगे, बछड़ी गायें से जल्दी तैयार हो जाएगा, अगर बुल होगा जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगा, लंबा खड़ाई पढ़ाई का खर्चा बच जाता है। कितने गाय पे नंदी होना चाहिए? 50 गायें पे एक नंदी बहुत है। 50 गायें पे एक नंदी बहुत है, लेकिन 10 गायें वाला भी अगर एक नंदी पाल ले, मैं इकोनॉमिक्स रूप से उसको कहूंगा कि वो बोझ नहीं है। कई लोग एक गाय रखेंगे तो वो नंदी नहीं रख सकते, लेकिन जो 10 गाय का किसान है अगर वो नंदी रख लेगा तो उसके लिए लाभकारी है। अच्छा, तो 10 गाय पे एक नंदी अगर आप खुद का रख ले तो ज्यादा बेनिफिशियल है। आजकल AI का बहुत चलन है, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो AI इतना सक्सेसफुल है नहीं, वैसे ही 35% ही सक्सेस रेट रहता है प्रेगनेंसी का। बिल्कुल, जो AI हमारे देश के लिए नहीं है, ये तो विदेशी हमने नकल किया, इसी से हमारी गायें गौशालाओं में गलियों में घूम रही है, क्योंकि वो इन्फेक्शन कर देते हैं गाय के अंदर, और वो गाय सारा उम्र बच्चा नहीं दे पाती, गांठ बन जाती है उसकी, ओवरियां टेढ़ी मेढ़ी कर लेते हैं, यूट्रस का, मुंह, सर्विक्स का, जो भी गाय की बच्चेदानी अगर वो खराब हो जाए और उसके थन खराब हो, दो बीमारियां प्रमुख है गायों के, थने खराब होना और बच्चेदानी खराब होना, दोनों से गायें गौशालाओं में घूमती है। अच्छा, अगर हम सांड रखेंगे तो गाय की बच्चेदानी बिल्कुल सही रहेगी। वैसे भी जो हाथ डाल के सीमन को छोड़ते हैं वो नेचुरल भी नहीं है, प्लस इतने ट्रेन डॉक्टर भी नहीं है हमारे देश में, अक्सर इन्फेक्शन का कारण बन जाता है जब भी हाथ डाला जाता है, बच्चादानी खराब हो जाती है। देसी गाय में हाइब्रिड नस्ल के कंपैरिजन में कम बीमारियां आती है, फिर भी आती है, तो बीमारियों के लिए आप क्या हेल्थ चेकअप में रूटीन फॉलो करते हैं, क्या मैनेजमेंट रखते हैं? जैसे कि आजकल LSD नाम से बीमारी बहुत प्रचलित है और काफी किसान परेशान है इस बीमारी को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे मैनेजमेंट आप कर रहे हैं और किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? हम तो LSD जो बीमारी है काफी हमारे यहाँ कम है इसका प्रभाव, क्योंकि हमारे यहाँ देसी चीजें जो ऑर्गेनिक चारा हम खुद पैदा करते हैं, और हल्दी, मेथी, तारामीरा ये चीजें देसी नुस्खे ही हमारे इनको इम्यूनिटी दे रहे हैं। जिस गाय को आया एक दो दिन में कवर हो गया, इतना ज्यादा डरने की कोई वायरस इतना खतरनाक नहीं, जैसे कोरोना था जिन लोगों में इम्यूनिटी थी उनको पता भी नहीं लगा कब कोरोना आया। ऐसे ही अगर हम अच्छी खड़ाई पड़ाई रखते हैं तो देसी गाय को डरने की जरूरत नहीं, इसमें कोई ऐसी बीमारी बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी पॉक्स है जो कमजोर गाय बूढ़ी गायों को परेशान कर रही है, जो बछड़ियां हैं हमारी, एक तो किसी को वाल तो नहीं, कोई चांस नहीं है। बाकी हमने FMD और HS सरकार हमारी फ्री करती है वैक्सीनेशन जरूर करवाते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा फ्री है, फ्री, उसमें कोई चांस नहीं है हमारे यहाँ कोई बीमारी का, तो हम कवर कर लेते हैं। और इनमें थोड़ा अच्छे पे रखते हैं तो चिचड़ बुखार जो HF गाय जर्सी का ज्यादा है वो नहीं है इनके अंदर। दूसरा मस्टाइटिस भी कम है, अगर हम इसकी खड़ाई पड़ाई जैसी चीजें खिलाएं तो मस्टाइटिस भी और कच्चे में बिल्कुल नहीं होता, पक्के फर्श पे कई बीमारियां मैनेजमेंट की है। अच्छा, तो इसमें आप जैसे बोल रहे थे सरकार की तरफ से काफी अच्छी सब्सिडी भी दी जाती है, जागरूकता भी फैलाई जाती है और बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिया जाता है लोन के मामले में, तो क्या क्या सरकार की तरफ से इसको देसी गौवंश को बचाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो किसान इस्तेमाल ले सकते हैं हरियाणा के अंदर या पूरे देश में? पूरे देश में जो गोकुल मिशन के तहत अब सब्सिडी काफी बैंकों के थ्रू मिल रही है किसानों को करना चाहें, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट भी इसमें इंसेंटिव देती है लोन का, अगर 25 लाख आई टेक्नरी का। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ अब इंश्योरेंस का भी हरियाणा की स्कीम अच्छी है, मात्र 100 या 150 रुपए लगते हैं उसमें, गाय का इंश्योरेंस 60-65 हजार रुपए का मिल जाता है। तो सरकार भी देसी को उसको इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि किसान भाई खर्चे से बचे, जीरो बजट फार्मिंग, यूरिया, DAP से, इसका गोबर, गौमूत्र सब किसानों के लिए उपयोगी है, सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो जैसे कि कोई किसान है जो देसी गौ पालन के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चालू करना चाह रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है कि कितने गौ से चालू करना चाहिए, किस टाइप का शेड बनाना चाहिए, कहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो वो लेनी चाहिए? बिल्कुल, 5 गाय से ज्यादा का एकदम शुरुआत नहीं करनी चाहिए, और छोटी जिसके पास अपनी जमीन जरूर है वही उसी को डेयरी करना चाहिए गाय पालन, जिसको चारा खुद पैदा कर सके, सस्ता पड़ता है पशुपालन, और साथ में मार्केटिंग भी रखनी पड़ेगी उसको, अपने साथ में दूध कहाँ बिकेगा, साथ साथ उसको ट्रेनिंग अगर लेना चाहे, हमारे सारे KV के किसी भी ज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटी, NDRI सब पशुपालन का ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ज्यादा इसमें बीमारियां नहीं है, कुछ ज्यादा पालन का खर्चा भी नहीं है, और इसलिए इसको एक आम किसान बिल्कुल आसानी से कर सकता है। तो जैसे कि कोई बिल्कुल ही नया ले रहा है अपनी गाय तैयार करने के लिए, भी पहले की 5 नहीं तो 2 नहीं तो 1 गाय तो लेनी ही पड़ेगी, नंदी भी लेना पड़ेगा, तो एक डिसेंट अमाउंट की साहिवाल गाय वो कितने लीटर दूध देना चाहिए, क्या उसका रेट मिल जाना चाहिए,
क्या क्या उसमें खूबियां देखनी चाहिए कि अटर क्वालिटी ठीक हो? बिल्कुल, उसके साथ साथ उसको ये देखना भी चाहिए भी गाय का 60 से 70 हजार एवरेज प्राइस जो है वो बिल्कुल सही है, और पहली दूसरी बार की गाय की उम्र भी, उसको दांत भी देख सकता है, अगर 2 दांत 4 दांत पहली बार में होती है, 6 दांत के बाद पूरी दांत हो जाते हैं 4 साल की उम्र, 4.5 साल में दूसरी बार बच्चा दे देती है जी, जी। तो कई गाय को पहचानने में गलती कर बैठते हैं उम्र में, वहाँ बूढ़ी गाय की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि पहली दूसरी बार की हो, जवान और गाय शांत सरल भी हो, लाट लूट से अगर वो दूध निकालने के टाइम चंचल है थोड़ा, स्वभाव साहिवाल का स्वभाव सरल और सीधा होता है, ये गाय दूध निकालने में तंग नहीं करती। और दूसरा उसके थन चेक कर लेने चाहिए भी, ताकि ज्यादा लंबे भी थन ना हो या ज्यादा थनों में फासला ठीक हो उसका निकालने में जी, जी, जी। मिल्किंग हाथ से ही मिल्किंग हम करते हैं और हाथ से इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, बड़ी जल्दी आसानी से मिल्किंग हो जाती है। बहुत बढ़िया सर जी, आपने जो बहुत ही अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो यार शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी किसानों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके हमें बताएं, कमेंट में लिखें कि क्या आपको अच्छा लगा देसी गौवंश में, यहाँ के फार्म में आपको क्या चीजें अच्छी लगी। इसी के साथ नरेश कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के आप लोगों को सीख दी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।